हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग टाइम है और ये मेरी चाय बन गई है इधर, और इधर मैं जब बना रही हूँ नमक के जवे, मैंने इसमें केवल आलू और प्याज यही डाला है, सादा बनाई है मैंने। बच्चे नहीं खाते, कोई वेजिटेबल्स इसमें डाल दो, बच्चे नहीं खाते हैं, तो लगभग ये भी बनने वाले हैं, अभी बने नहीं है, 2 मिनट और लगेंगे इन्हें बनने में। तब तक मैं करती हूँ इंतजार। तो देखिए ये तैयार हो गई है चाय और जबे, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। इधर देखिए दोनों बहन भाई बैठे हैं, नहा लिए हैं और ये चाट बना रहे हैं। कुछ एक्टिविटी मिली थी स्कूल से, तो ये दोनों बहन भाई बैठ करके उसी को बना रहे हैं आराम से। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो धूप कितनी तेज़ हो रखी है, बहुत तेज़ धूप हो रखी है और इधर अंदर तक धूप आ जाती है। अभी सुबह के बज रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ 10:30 बजे हैं और 10:30 बजे से बहुत धूप हो रही है। शाम के बज रहे हैं 6, दोपहर ना गर्मी रहती है तो मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी काम करने का, बहुत गर्मी रहती है। लाइट आ जाती है ना, मैं उसी के बाद शाम के काम की शुरुआत करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बच्चे बना रहे थे ना एक्टिविटी जो स्कूल से मिली है बच्चों के लिए, ये बन चुकी है। कन्हैया की रेडी हो चुकी बनाया उसने इसका, तो टीचर ने मांगा था, सारी दोपहरी बच्चे यही करते रहे थे। 2 दिन की छुट्टी थी स्कूल की तो बच्चे यही बनाते रहे हैं। उसकी हेल्प करी उसकी सिस्टर ने, तो मैं काम शुरू करती हूँ। लाइट आ रही है इस समय, तो लाइट आती है कूलर चल जाता है, मैं तभी काम करती हूँ। दोपहर में मेरा मन नहीं करता है गर्मी की वजह से काम करने का, तो चलिए मैं झाड़ू लगाऊंगी, इसलिए मैं यही डाल लेती हूँ। गर्मी में आपको सूख जाती है, पंखा चलता रहता है तो पपैया सूख जाती हैं। तो चलिए गाइस, मैं लाइट जलाऊँ और मैं बनाती हूँ कपड़ों की तह लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और मैं आज आपको रेसिपी शेयर करूंगी, प्याज के पराठे बनाऊंगी। कन्हैया की पसंद थी उसको, प्याज के पराठे बहुत पसंद है कन्हैया को। कई दिन से वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी प्याज के पराठे बनाओ। तो देखिए ये मैंने प्याज ले लिया और आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के पराठे। ये मैंने प्याज छील लिए, अब मैं इसको कट करके चॉपर में इसको चॉप कर लूंगी। तो देखिए ये इस तरीके से हो गई है प्याज, उसमें छोटी छोटी मैंने पीस बना लिए हैं। और मैंने इधर रख दी है कढ़ाई और इसमें तेल करके मैं इसको प्याज को करूँगी, इसमें फ्राई कर लूँगी मैं। तो देखिए मैंने इसमें तेल डाल दिया और मैं प्याज, और मैंने थोड़ी सी इसमें मिला दी खटाई, क्योंकि मीठा बनता रहता है ना प्याज में, तो मैंने थोड़ी सी इसमें खटाई मिला दी थी, नमक थोड़ा तेज कर दिया है। तो ये तैयार है, ये ठंडा हो जाएगा तो मैं बनाती हूँ पराठे।